फ्रेंड्स, आज मैं आपको करेले बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने ये करेले लिए हैं, ये करेले हैं, इसको हमने धो अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। और ये दो प्याज लेने हैं, इतना सा अदरक लेना है। और ये मसाले हैं, ये है लाल मिर्च, ये है नमक, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, काली मिर्च, जीरा और अमचूर ये लेने हैं इसको बनाने के लिए। इसको भर के बनाना है हमने। अब हमने ये फ्राई पैन लिया है, इसमें हमने तेल डाल दिया था। तेल को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है, अच्छी तरह से गर्म करके सरसों का तेल डाला है। और इसको हमने अच्छी तरह से गर्म करके जो करेले हैं इसमें हमने डाल देने हैं। और प्याज को हमने काट लेना है, पहले ऐसे काट के और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, साथ में नहीं लाना, ऐसे काट के ग्राइंड कर लेना है। और इसको हमने ग्राइंड करके फिर भूनना है बाद में। सारे प्याज काट लिए हैं अच्छी तरह से। हमारा तेल गर्म हो गया अच्छी तरह से। हमने जो करेले थे इसको बिल्कुल साफ किया है और इसको हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल बंद है। इसको हमने तेल में डाल देना है, तेल में आराम से डाल देना है। हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, ये सारे करेले हमने तेल में डाल के और इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरह से भून लेने हैं हमने करेले। ये हमारे करेले भूनने लगे धीरे धीरे, ये हमारे करेले, हमने इसको हिलाते जाना और ये भून जाने हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह से, गैस को हमने फुल स्पीड में नहीं रखना, थोड़ा सा कम कर लेना है। ये छोटा सा अदरक लिया था, इसको भी हमने काट लेना है अच्छी तरह से काट के। और इसको हमने सारे को, प्याज को, अदरक को हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखो हमारे प्याज भी काटे गया, अदरक भी काटा गया, हमने इसको, ये ग्राइंड है ग्राइंडर, इसको इसमें डाल के और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है अदरक और प्याज को। जो करेले को अच्छी तरह से एक एक को हिला देना है, ये पलटा देने, पलटे से हमने पलटा देने और आराम से धीमी आंच में इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये हमारे करेले जो है ये बन रहे हैं, इसको हमने अच्छी तरह से हिला दिया है। अब इसको आराम से पड़े रहने देंगे। और ये हमारे जो प्याज है हमने ग्राइंड कर लिए है, प्याज इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये नहीं कहना कि छोटे छोटे प्याज है, तो इसमें हमने दो प्याज, एक छोटा सा एक प्याज डाल लेंगे। ये इतना प्याज हमने इसको इसमें भरना है। जब इस ये बन जाएंगे ना, इसको काट के एक लाइन लगा लेनी है, उसमें इसको भूनना है, पहले हमने भूनना है तो फिर इसको डालना है उसके बीच में। हमारे जो करेले हैं अच्छी तरह से भून कर तैयार हो गए हैं, हम इसको हमने निकाल लेना है। करेलों को हमने इसमें से निकाल, देखो अच्छी तरह से हमारे करेले काले काले हो गए हैं, लाल हो गए, काले हो गए, अच्छी तरह से पक गए। हम इसको अब निकाल लेंगे, कपड़े प्लेट में निकाल लेंगे अच्छी तरह से। देखो करेले जो हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब इसको हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ साफ करके बंद के बंद हमने इसको भून लिया था। ये देखो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसी तेल में ये जो प्याज थे ग्राइंड किए थे वो डाल देने, इसी तेल में, जो तेल हमारा गर्म था इसमें से हमने करेले निकाले थे, इसी में हमने जो प्याज थे दो बड़े बड़े प्याज, छोटे प्याज है तो चार ले लो, पांच ले लो, प्याज इसमें बहुत लगता है, इसको हमने काट के अब इसको छोटी एक लाइन लगानी है। उसमें हमने जो प्याज भून कर अच्छी तरह से भून लें, पहले सिंपल प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। हमारे जो प्याज था, हमने प्याज डाला था इसमें, वो आप उसने कलर बदल लिया है,
वो पिंक कलर का हो गया है। जब पिंक कलर का हो जाता है तो हमने एक चम्मच जीरा डाल देना है इसमें, एक चम्मच जीरा। ये जीरा हमारा जब पक जाएगा तो हम दूसरे मसाले डालेंगे। देखो ये हमारा जो प्याज था थोड़ा सा रह गया भून के और रेड कलर में आ गया, और हमारा जो जीरा था हमने जीरा डाला था वो भी अच्छी तरह से इसमें गर्म हो गया। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, दो चमचे नमक डालेंगे और फ्लेम्स कट कर देंगे थोड़ा। जो है हमने हल्दी थोड़ी है थोड़ी डालनी, बहुत आधी चम्मच ऐसे ही स्वाद के लिए थोड़ी डालनी है। एक चम्मच हमने काला गर्म मसाला, काली मिर्च गर्म मसाला, और लाल मिर्च एक चम्मच, छोटा चम्मच एक लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च डालने से बहुत स्वाद आता है। और ये हमारे जो मसाले हैं हमने डाल दिए हैं। इसके बाद हमने जो जब भून अच्छी तरह भून गया ना, हमने इसमें जो है हमारे पास आमचूर, आमचूर के हम दो चमचे डालेंगे, आमचूर के दो चमचे बड़े छोटे दो चमचे। इससे हमारा जो करेले हैं इसका मसाला जो है वो खट्टा बनेगा, खट्टे मसाले, खट्टा मसाला। ये हमने जब हमारा प्याज था जब हमारा मसाला तैयार हो गया, इसमें अच्छी तरह से गर्म हो गया और इसमें हमने मसाले भी डाल दिए। इसको अच्छी तरह से हमने ये बन गया हमारा प्याज। और इसको हमने जो हमने करेले भुने थे उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको डाल देना, ठंडा करके, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसको हमने डाल लेना है। ये देखो हमने प्याज जो करेले थे ना वो अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिए थे और साबुत रहने दिए थे, उसको काटा नहीं था। अब हमने इसको सभी करेलों में ऐसे काट लेना है, ऐसे काट लेना है सभी करेलों को, और अच्छी तरह से चेक कर लेना है करेले में कोई सुंडी तो नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। देख ऐसे अच्छी तरह ठंडे हो गए हमारे करेले, और जो हमने मसाला भूना था वो भी ऐसे ठंडा हो गया। और इसको हमने अच्छी तरह से देख चेक कर लेना, अगर इसमें बीज भी मोटे मोटे होते हैं वो जो आप निकालने हैं तो निकाल सकते हैं। जो देखो इसमें बीज है, मोटे बीज हैं, ये हमने ऐसे निकाल देने, इसको निकाल देना साइड में, किसी में होता है किसी में नहीं बीज होता और बच्चे नहीं खाते। ये देखो हमने इसको साफ कर दिया, किसी में ये छोटे छोटे हैं ना हमारे करेले, बड़े करेले भी होते हैं, ये देखो बिल्कुल इसमें बीज नहीं है। ऐसे हमने सारे साफ कर देख लेने हैं, जिसमें बीज होगा उसको काट दे काट निकाल देना। ये देखो साफ है ना, ऐसे हमने सारे को काट लिया। ये देखो अब इसमें हमने जो मसाला था, ये हमारा मसाला था, हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया था उसी तेल में जिसमें हमने करेले भुने थे, उसी में ही सारा मसाला भुना। और इसमें हमने ऐसे करना है, ये मसाला ऐसे लेना है और इसमें भर लेना है, ये भुना हुआ मसाला करेले में भर लेना है। ये देखो ये हमारे करेले जो है बन के रेडी हो गए हैं। ऐसे में ऐसे निकाल निकाल के भर लेना है अच्छी तरह से सारा मसाला। मसाला इसमें बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इसके ये तो करेले हमारे छोटे हैं ना, जब बड़े करेले हम लेते हैं ना तो उसमें जो मसाला है बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। प्याज जितने भी आप उसी तेल में प्याज भून लो। अगर आपको लगता है कि हमारा तेल जो है ज़्यादा है तो मसाले में से आप साइड में मसाला करके निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे जो करेले हैं हमने ऐसे भर लेने हैं सारे करेले अच्छी तरह से भर के, और उसको हमने खाना है। तो हमारे करेले जो हैं सब भर के हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखो लास्ट करेला हमारा जो था उसमें बीज नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, इसमें हमने मसाला। ये देखो हमारे सारे करेले अच्छी तरह से भर गए हैं, सारा मसाला हमने यूज़ कर लिया, इतना सा बचा है और सारे करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स आपको जो हमारी रेसिपी पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और इसको अच्छे खट्टे करेले खाकर तुस्फ लेना है। थैंक यू, ओके, बाय बाय, ओके।